Now, economic causes. Both the peasants and the zamindar were dissatisfied with the revenue policy of British. They were against the high taxes as well as the harsh method of revenue collection. In the newly acquired territories, the British had totally ignored the landlords and established direct contact with peasants. Unable to pay the high revenue, the peasants either had to lose their lands or fell prey to the moneylender. Large area of lands were confiscated and sold by auctions to the highest bidders. The decline of Indian handicrafts and industry and the resulting unemployment caused discontent among people. इसमें क्या बताया गया है कि किसान और जमींदार अंग्रेजों की राजस्व नीति से असंतुष्ट थे। राजस्व नीति क्या होती है? जहाँ पे कर इकट्ठा किया जाता है, वे उच्च करों के साथ साथ राजस्व कर इकट्ठा करने के लिए कठोर नीतियां अपनाने के खिलाफ थे, यानी वे अंग्रेजों से असंतुष्ट थे। नए अधिग्रहित कानूनों में अंग्रेजों ने भूमि कानूनों को पूरी तरह से अनदेखी की और किसानों से उन्होंने सीधा संपर्क स्थापित कर लिया। उच्च राजस्व का भुगतान करने में असमर्थ किसानों को या तो अपनी भूमि खोनी पड़ती थी, या वो क्या करते थे, अपनी पूरी जमीन उनको देनी पड़ती थी, या वो पैसे अपने सारे पैसा उनको ब्याज के रूप में दे देना पड़ता था। और उसके बाद भारतीय हस्तकला उद्योग की गिरावट और परिणाम स्वरूप बेरोजगारी के कारण भी लोगों में असंतोष फैल गया। नाउ सोशल एंड रिलीजियस कॉसेस। ब्रिटिश कंसीडर्ड देमसेल्फ एज सुपीरियर टू इंडियन। दे डिस्क्राइब द हिंदू एज barbarians and the Muslim as cruel and intolerant. British officers often assaulted and insulted the Indian publicly and were let off with a little or no punishment. The Christian missionary tried to convert the Indian to Krishna. They got full support of the British, who extended extra facility for them. In 1850, a new law made conversion to Christianity easier. The British were against ideal worship and condemned in Hindu god and goddesses. इसमें क्या बताया गया है कि सामाजिक और धार्मिक कारण। अंग्रेज खुद को भारतीयों से बेहतर मानते थे। वे मुसलमानों को जो अत्याचारी बोलते थे, और उसके बाद जो है ब्रिटिश अधिकारियों ने भारतीयों को सार्वजनिक रूप से अपमानित किया और उसके बदले में उन्हें कोई भी सजा नहीं दी जाती थी। उधर ईसाई मिशनरी ने भारत को ईसाई भारतीयों को जो ईसाई धर्म बदलने की कोशिश की कि भारत जो है भारत के लोग अपने धर्म को बदलकर ईसाई धर्म में आ जाए। उन्होंने 1850 में अंग्रेजों द्वारा दी गई अतिरिक्त सुविधाओं का पूरा लाभ उठाया और इसके बाद उन्होंने एक नया ईसाई धर्म कानून भी बनाया जिसमें कोई भी जो है अपने धर्म को परिवर्तन कर सकता था। अगले वो क्या करते थे, अंग्रेज जो थे मूर्ति पूजा के खिलाफ थे। वो हिंदू भगवान और उनके देवी देवताओं की काफी निंदा करते थे, इस कारण से लोग उनसे असंतुष्ट थे। They taxed the land belonging to Hindu temples and Muslim mosques, thus hurt the religion sentiments. The British made effort towards the spread of English education, widow remarriage and legislative against practice of sati. These acts regarded by the Indian as direct interference in their religions and social life. इसमें क्या किया गया, उन्होंने बहुत सारे टैक्स लगाए हिंदू मंदिरों पर और मुस्लिम की जो मस्जिदें थी, इससे क्या हुआ उनकी जो धार्मिक भावनाएं जो हैं काफी ठेस पहुंची। ब्रिटिश लोगों ने और क्या किया कि अपनी एजुकेशन चलाई, विधवा विवाह, उसके बाद उन्होंने सती प्रथा को समाप्त कर दिया। एक एक्ट को, इन कार्यों को करने की वजह से भारतीय लोग ये समझने लगे कि वो हमारे धार्मिक और सामाजिक जीवन में दखलअंदाजी कर रहे हैं। नाउ इमीडिएट कॉज। इन 1856 ब्रिटिश गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस अ न्यू राइफल कॉल्ड द एनफील्ड राइफल फॉर आर्मी। द राइफल हैज ग्रीस पेपर attached round the cartridges in order to load the rifle. Sepoy had to bite off paper with his mouth. In 1857, a rumor spread that grease cartridges were made of a fat of pigs and cows. The deeply hurt the religious sentiments of both Hindu and Muslim. The Sepoy refused to use the rifle and decides to revolt. This incident gave the necessary spark to fire of anger and discontentment burn in the hearts of the Indian. उसमें क्या हुआ कि 1856 में जो है अंग्रेजी सरकार ने जो है एक नई राइफल चलाई जिसे कि एनफील्ड राइफल कहा जाता था, मतलब कि इसके ऊपर एक ऐसा कागज लगा होता था जिसको कि सिपाहियों को अपने मुंह से छीलना पड़ता था। और 1857 में ये अफवाह फैली कि इन
कारतूसों पर गाय और सुअर की चर्बी होती है। और ये जो अफवाह थी हिंदू और मुस्लिम धर्म के खिलाफ थी, क्योंकि हिंदू जो थे गाय को पवित्र मानते थे। और यही छोटी सी चिंगारी ने 1857 की क्रांति को भड़काया और लोगों के मन में अंग्रेजी सरकार के प्रति गुस्से को और जागृत किया। Now revolt at Delhi and end of the Mughal Empire. On 10th May 1857, the Sepoy at Meerut marched to jail and freed their colleagues and massacred the British officer. The next morning they reached Delhi and where the local Sepoy joined them. They overpowered the small British garrison, killed the European officer and proclaimed Mughal Emperor Bahadur Shah II the Emperor of Hindustan. This news spread quickly to the neighbors' region and the people rose spontaneously in rebel against the British. All the rebellion Sepoy and the Indian chiefs who rebelled proclaimed the loyalty to Bahadur Shah. Delhi thus became the center of the revolts and Bahadur Shah its symbol. इसमें क्या बताया गया है, 10 मई 1857 को सिपाहियों को मेरठ की जेल में उनके सहयोगियों के साथ ब्रिटिश अधिकारियों की हत्या कर दी। अगली सुबह वो दिल्ली पहुंचे और स्थानीय सिपाही भी जो थे उनके साथ मिल गए और उन्होंने गढ़ बना लिया। गढ़ यानी कि अपनी सेना को जबरदस्ती वहां पे घुसा लिया और यूरोपीय अधिकारियों को मार दिया। और इसी तरह से वहां पर बहादुर शाह जफर ने अपने आप को क्या राजा घोषित कर दिया अपने सल्तनत। तो ये सारी जो खबर थी ये पूरे राज्य में फैल गई थे, अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति हो गई है। तो बहादुर शाह दिल्ली के प्रति निष्ठा रखने वाले सभी भारतीय सिपाहियों और भारतीय प्रमुखों ने विरोध किया और बहादुर शाह को प्रतीक का केंद्र माना गया और दिल्ली को विद्रोही केंद्र माना गया। मतलब कि सबसे पहले जो क्रांति कहाँ हुई थी, दिल्ली में हुई थी। जो क्रांतिकारी हैं सबसे पहले उन्होंने जो अपनी सहभागिता दिल्ली में दिखाई थी। बखत खान ऑफ बरेली हु हैड सर्वड इन द British army led a band of rebel to Delhi. His able military leadership helped the rebel to keep the British out of Delhi for several weeks. To suppress the revolts, the British brought in force from various regions of India, including a large number of newly recruited Sikh sepoy from Punjab. In September 1857, the British reoccupied Delhi, our territory. Massacres followed. The Mughal Empire came to an end. Bahadur Shah was captured and trailed and found guilty and deported to Rangoon, where he died in 1862. His two sons were shot dead. इसमें क्या बताया गया है कि जो बरेली में वक्त खान जिन्होंने ब्रिटिश सेना में काम किया था, विद्रोहियों का बड़ा समूह दिल्ली में दिखाई दिया जिनका वो नेतृत्व करते थे, यानी जिनके वो नेता थे। विद्रोहियों ने कई हफ्तों तक अंग्रेजों को दिल्ली से बाहर रखने में मदद की, यानी उन्होंने काफी हफ्तों तक अंग्रेजों को दिल्ली में पेश आने नहीं दिया। उसके बाद विद्रोह को दबा दिया गया। अंग्रेजों ने कई जगह पर अपनी सेना भेजी और बड़ी संख्या में सिख सिपाही पंजाब से सितंबर 1857 में अंग्रेजों ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया। यहाँ पर एक भयानक हत्याकांड हुआ। अंत में क्या हुआ, बहादुर शाह को जो है दोषी पाया गया और उन्हें सजा दी गई। उसके बाद उन्हें रंगून में भेज दिया गया और वहां उनकी मृत्यु हो गई 1862 में और उनके दोनों बेटे भी मार दिए गए।